हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 60 डेज आपके पास जो बचा हुआ है उसमें हमको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके सेक्शन वन के अंदर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको आज की 12 बजे की मैथ की जो लाइव क्लास चलती है तीनों के लिए, GD, DB, यांत्रिक तीनों के सेक्शन वन के लिए, वो क्लास लाइव नहीं हो पाई बिकॉज इंटरनेट जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत देर परेशान था, लास्ट में मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या इशू चल रहा था। ये एक्चुअली हमारे यहाँ भी इंटरनेट का बहुत थोड़ा लोचा रहता है, तो उसके वजह से कुछ हो गया था कुछ। ठीक है, कि लाइव हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से कल से अपना जो है वही टाइम पे अपना क्लास होगा। तो अभी बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक 2022। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर से आपको रिपीट करूँ कि ये जो है आपका एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब है आपका इसके अंदर, तो आपको हर चीज़ ऑनलाइन करना होगा, चाहे वो प्रिपरेशन ऑनलाइन हो, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन हो। ठीक है, प्रिपरेशन आप घर से कर रहे हो कहाँ से उससे मतलब नहीं है, प्रिपरेशन में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आ जाता है, तो टेस्ट सीरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन ही दो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से जाके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB दोनों एग्जाम की ऑनलाइन बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल ले सकते हो। और GD की सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों मिल जाएगी आपको इसके अंदर। और ये कोड यूज़ करोगे exam2z50 तो सीधे आपको आधे दाम पे, जी 50% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और एक खूबी इस चीज़ की है ना इसकी टेस्ट सीरीज की, जितने भी बच्चे इसमें टेस्ट सीरीज देंगे उनमें आपकी रैंक क्या आई है, आप कितने बच्चों से पीछे हो, सब कुछ इसमें आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ फ़ायदा है आपको। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज लगाओ। पहली चीज़ तो ये आपको फॉलो करनी है। अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमको कितना फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पे हमको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सेक्शन वन के बारे में पहले बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग बाद में सुनेंगे सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपका है। ठीक है, तो गाइस देखो सेक्शन वन में आपको बांटा हुआ, सबसे पहले आपका जो है मैथ, जो कि आपका राइट हैंड है। अगर मैथ खराब है तो फिर समझ लो कोस्ट गार्ड एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, किसी भी कीमत पे क्रैक नहीं कर पाओगे। बिकॉज 60 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं, और आपको भी पता है कि 50 के अराउंड आपका कट ऑफ जाता है। तो हम मैथ को छोड़ दें तो बचेगा हमारे पास 40 क्वेश्चन, तो 40 में से 40 सही भी कर ले तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हम कोस्ट गार्ड का, फेल होकर घर में बैठेंगे। तो मैथ बनाना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ गया। कुल मिला के देखा जाए तो मैथ अपना इसका राइट हैंड है, और मैथ के बाद अगर देखा जाए कौन है जनाब, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग, और इन दोनों पे क्योंकि हम एक ही टाइम पे इन दोनों को मतलब कह सकते हो कि पढ़ सकते हैं। अगर मैथ पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होता जाता है, क्योंकि रीजनिंग क्या है, देखो मैथ बनाने वाले बच्चों की रीजनिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाती है क्योंकि उनके पास सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। यू नो, आपको मैथ जो है आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक एडवांस मैथ में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और सोच रीजनिंग भी वही चीज़ है कि सोचते रहो आंसर ला दो और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है मैथ और रीजनिंग में, बताऊँगा और भी चीज़ें कुछ, पहले ध्यान से सुन लो कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डेली अराउंड 3 आवर्स आपको मैथ पे देने हैं फॉर सेक्शन 1, 1 आवर या फिर हाफ आवर आपको रीजनिंग पे देने हैं, सफिशियंट है इसका। आपको इंग्लिश पे डेली आपको 2 आवर्स देने हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइंस पे आपको डेली 1 आवर देने हैं, और GK पे आपको डेली कुछ टाइम नहीं देना। ध्यान तो सुनो, बुरा मत मानना इस चीज़ को लेके कि क्या बोल दिया सर आपने, आप 30 मिनट भी देते हो तो ठीक है, ये सफिशियंट है GK के लिए, क्योंकि GK के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है, ठीक है, अगर 15, 20, 25 मिनट भी अगर GK रेगुलर पढ़ता है तो वो 5 में से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो GK क्या आसानी से अटैम्प्ट करेगा। 1 घंटा साइंस करते हो डेली आप अच्छे से बुक से, तो मैं बताऊंगा बुक भी, तो 10 क्वेश्चन आप आसान से बना लोगे, 10 में से 10, छोड़ो 10 में से 10 ना सही, 9 तो बन ही जाएगा। इंग्लिश 15 में से 15 बनेगा, बहुत ही आसान रहता है इंग्लिश। ठीक है, अब आपको डिफिकल्ट लगता है इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है। रीजनिंग और मैथ फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना होगा हर एक बंदे को। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 45 नंबर आप यहाँ से ले रहे हो, बाकी के यहाँ पे जो है आपका कितना हो गया भाई, 56 नंबर, तो 55 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के आपका 54 नंबर है, क्योंकि अगर साइंस को अगर एक छोड़ भी देते हैं तो ये 4 सेक्शन से 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक हम साइंस छोड़ भी दें तो 54 नंबर आपको यहाँ से स्कोर करने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पर, अगर आप सिलेक्शन लेते हो, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको टारगेट कितना नंबर करके चलना है, तो आपको यहाँ से इतना मार्क्स सिक्योर करो,
एक आध नंबर भी जीके से ले लेते हो तो सिलेक्शन फिक्स हो गया आपका, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। मैं यहाँ पे जनरली आपको बताता हूँ, सबको मिक्स करके मैं बताता हूँ कि आपको हाईएस्ट जो जाता है ना कट ऑफ, उसके बारे में ना मैं यहाँ पे एससी के बारे में एसटी के बारे में बात नहीं करता। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, जब आप अपनी कैटेगरी वाइज पढ़ाई करोगे कि सर हम एससी हैं हमको तो मान लो सिर्फ 45 नंबर लाने, तो भाई आपका नंबर भी आएगा भाई 40-39 आ जाएगा, ठीक है। अपनी कैटेगरी को भूल जाओ कि आप किस कैटेगरी से हो, बस आपको फाइट करना है कि आपको मतलब टॉप मतलब स्टूडेंट्स में से आना है, बस इतना समझ लो, अदरवाइज आप हमारा जिंदगी झंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही समझो शुद्ध भाषा में अगर समझना चाहते हो तो। अब एक चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, सर मैथ कहाँ से पढ़े। देखो मैथ जो मैं 12 PM मतलब 12 बजे डेली दोपहर में करा रहा हूँ, आज नहीं करा पाया कुछ इशू था, तो वो आप एडवांस मैथ कर लो, फिर एडवांस के बाद हम लोग अरिथमेटिक करेंगे और प्रैक्टिस करते रहो। चाहे आपके पास जो भी बुक है, एसएससी की प्रीवियस ईयर है, आरएस अग्रवाल है, खैर आरएस अग्रवाल एडवांस में तो नहीं होगा, ठीक है, एडवांस का कोई भी आप बुक ले लो, ठीक है, लाइक आप कोस्ट गार्ड का भी कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, किरण की ले लो, जो भी आपके पास है ले लो, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप इंटरनेट की मदद ले लो, ठीक है। तो मैथ के ये सभी क्वेश्चंस आप बनाते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिवीजन करते रहो, मैं फ्री में आपको डेली नोट्स दे दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी नोट्स भी दे देता हूँ आपको। तो मैथ में तो आपका नहीं आ पार हो जाएगा, और मैथ में 20 out of 20 की गारंटी ले लो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आपके एग्जाम के लेवल से अप करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ लो, ठीक है ना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सर रीजनिंग कहाँ से, रीजनिंग बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, और मैंने जो पिछले एग्जाम के लिए पढ़ाई थी थ्योरी वो जाके देख लो, आपका रीजनिंग नहीं छूटेगा। रीजनिंग छूटा मतलब समझ रहे हो, सबसे गया गुजरा जो बच्चा होता है उसका रीजनिंग छूटता है, अब इस चीज़ को जरा दिल पे ले लेना, अदरवाइज फिर अपने आप को अगर छूट रहा रीजनिंग तो अपने आप को गया गुजरा बच्चा समझो, मेहनत बहुत ज़्यादा करो, नहीं तो फिर रीजनिंग नहीं सुधरेगी, ठीक है। रीजनिंग की बस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते देते और उस पर जो गलती हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, यूट्यूब पे जो मैं करा रहा हूँ उसको करोगे, रीजनिंग की कहानी खत्म। और इंग्लिश के लिए गाइज आपको देखो दो बुक मैं बताता हूँ, कोई एक फॉलो कर लेना, या तो आप KD पब्लिकेशन बुक को फॉलो कर लो, ठीक है। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, वन वर्ड की बात करें, idiom की बात कर लें और vocab की बात कर लें, ठीक है, ग्रामर सबको लेके KD पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, या फिर आपके पास लूसेंट भी है तो ग्रामर के लिए पढ़ सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन रीडर है तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जो ट्रिकी इंग्लिश पे इंग्लिश करा रहा हूँ उसको करते रहो। ये ट्रिकी इंग्लिश क्या है भाई, तो ट्रिकी इंग्लिश जो है इंग्लिश का चैनल है जिस पे मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासेज अपलोड करूँ, बट टाइम की वजह से कम अपलोड हो पाती है, फिर भी आपकी ग्रामर आपके एग्जाम से पहले मैं खत्म करा दूंगा। मिरर ऑफ कॉमन रीडर बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर, ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वो क्या वगैरह सब मैं वहाँ पे कराऊंगा। तो ये तो रहेगी इंग्लिश की। तो सर साइंस बताओ, साइंस कहाँ से करें। तो देखो साइंस और GK बहुत ज़्यादा मैं करा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास होती नहीं है, तो इसके लिए आप या तो लूसेंट की साइंस की बुक से पढ़ो, या फिर स्पीडी की जो साइंस आती है, अलग अलग बुक आती है, लूसेंट की साइंस अलग, स्पीडी की साइंस अलग, बट बेस्ट आपके लिए लूसेंट साइंस रहेगा। इसको अगर कर लेते हो तो साइंस में से 10 में से 9 किसी भी कीमत पे आप ले लोगे नंबर, ठीक है। GK कहाँ से पढ़े, बस लूसेंट GK पढ़ते रहो, उसकी मिसलेनियस पढ़ते रहो, ठीक है, बस आपको डेली बेसिस पे पढ़ते रहना, आधा घंटा टाइम निकाल के आपकी GK की काम खत्म हो जाएगी। और एग्ज़ाम से पहले मैं टाइम निकाल के आपके लिए जो है GK की साइंस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना उसकी एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इन सभी चीज़ों पर आप फॉलो करोगे पूरे एग्ज़ाम तक, तो आपका जो है लास्ट 60 days तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान से सुनो, हमको इंग्लिश की वोकैब कैसे याद करनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की वोकैब हमको याद करनी है कैसे, डेली 10 OWS, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है डेली 10 याद करनी है, डेली 10 हमको idiom याद करनी है, डेली 10 जो है सिनोनिम याद करनी है, और डेली 10 एंटोनिम याद करनी है। इतना टाइम निकाल लोगे, मैंने बताया था आपको, इतना टाइम निकाल लोगे आपका एग्जाम तक बहुत हो जाएगा। डेली 40 वर्ड हो जाते हैं, और इस तरीके से 40 वर्ड एक दिन में आप सुबह से शाम तक में याद कर सकते हो, और लगातार नहीं, एक बार आप 10 वन वर्ड याद कर लिए ना तो फिर कुछ और पढ़ लो, उसके बाद फिर 10 idiom याद कर लो, फिर कुछ देर के बाद मतलब एक आध घंटे के बाद 10 एंटोनिम सिनोनिम, और फिर एक आध घंटे मतलब कुछ और पढ़ने के बाद आपको इस तरीके से सिनोनिम या फिर एंटोनिम जो भी किया होगा आपने ये कर लो। तो अगर डेली 40 करते हैं तो हम एक महीने में 1200 वर्ड करेंगे, और डेली पढ़ते रहो, और संडे को अपना जितना पढ़ा है आपको सब रिविज़न करना होगा। आपके पास 60 days है, कहने का मतलब 1200 × 200 = 1200 × 1200 = 2400 वर्ड्स आपके पास होंगे, और इससे ज़्यादा कुछ आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो ये सब चीज़ें जो थी आपको, मुझे नहीं लगता कि आप इतना मतलब डेप्थ में आपको कोई समझाएगा हर एक चीज़ को डिटेल में, तो वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मैं अपने खुद करके आया हूँ और जिस बेसिस पे मैंने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, ठीक है। तो ये थी इंग्लिश की जो चीज़ थी, ग्रामर रेगुलर पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बस इसका यही है, इंग्लिश ग्रामर का कुछ नहीं है। और चाहे कोई भी चीज़ है गाइज,
बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे, जितनी कम मतलब प्रैक्टिस करोगे, खाली पढ़ोगे प्रैक्टिस कम करोगे तो फिर मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो मतलब पढ़ो जितना उतना ही प्रैक्टिस करो, अगर डेली एक टेस्ट नहीं लगाते हो तो फिर ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। अगर ज़िंदगी को आसान बनाना तो जितना पढ़ रहे हो डेली एक टेस्ट सीरीज लगाओ, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, इससे फ़ायदा आपको दो हो जाएगा। आपकी तैयारी टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज लग गई और एग्जाम में टाइम मेंटेन कैसे करना है, मतलब विद इन जो लिमिट टाइम के अंदर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं सेक्शन वन में, वो सीख जाओगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे सेक्शन टू के बारे में कुछ लोग पूछते हैं ना कि जीडी की सेक्शन टू के बारे में बताओ कहाँ से पढ़े। अगर सेक्शन टू लिए हो तो ये तो कुछ सोच समझ के लिए होगी ना, अगर जीडी लिया आपने तो आपकी ट्वेल्थ की जो है मैथ फिजिक्स अच्छी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आँख बंद करके फॉर्म अप्लाई कर दिया, अगर आँख बंद करके कर दिया तो फिर उस इंसान को समझाना मुश्किल है थोड़ा। तो आपने सेक्शन टू जब ले लिया है तो इतना याद रखो, आपने जो ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ में जो पढ़ के आए हो ना, आप तो रिसेंटली पढ़ के आए हो तो उसको बस रिविज़न करो, चाहे आप यांत्रिक के लिए भी पढ़ के आए हो तो डिप्लोमा में जो पढ़े हो उसको रिविज़न करो, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस से जब आप लोग लगाते रहो तो इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है गाइज। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी मैंने आपको बताई और इसके अंदर कुछ है नहीं, और बाकी जो भी खास करके आप सेक्शन टू की मैथ और फिजिक्स के लिए आप लोग मैथ को और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैथ में जो 11 ट्वेल्थ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था आपके ट्वेल्थ में पूछे गए एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको ज़्यादा फोकस करो, फिजिक्स में भी और मैथ में भी बहुत फायदा मिलेगा उससे। एग्जाम में कभी कभार वो डायरेक्टली उठा के आपके पूछे जा जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी मेमोरी बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं मार्केट में तो उसको भी खरीद लो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।